योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप इसी नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित DOCW श्रम विभाग की योजना है, उसको हम श्रमिक कार्ड कहते हैं, वो भी इसी नंबर पर दी जाती है। कौन इसका पात्र है, कौन इसका पात्र नहीं है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर आपकी पता करना है कि आपकी न्यूनतम मजदूरी कितनी है और सरकार ने कितनी निर्धारित की है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मजदूर ने अगर गाँव के मजदूर ने कहीं बाहर जाकर काम किया है और उसकी मजदूरी मारी गई है, तो आप सीधा फोन कर सकते हैं। अगर आपके गाँव में किसी मजदूर को बंधक बनाया गया है या जबरन काम कराया जा रहा है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जा रहा, तो भी आप फोन कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की स्कीम की जानकारी दी है तो भी आप फोन कर सकते हैं। अगर किसी मजदूर के साथ में एक्सीडेंट या क्षतिपूर्ति या मालिक ने उसको मुआवजा नहीं दिया तो भी आप फोन कर सकते हैं। सभी समाधान इसी हेल्पलाइन से किए जाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस हेल्पलाइन का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे मजदूर भाइयों के सहयोग करें और अगर आप स्वयं मजदूर रहते हैं इसका जरूर लाभ उठाएं। अगर आपके भाई परिवार में कोई काम करने के लिए जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, उसके साथ कोई हिंसा हो जाती है या उसके साथ कोई मारपीट होती है या उसके साथ कोई घटना होती है, तो आप इसकी शिकायत 1800-1800-999 नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। करे नहीं करे फोन। आज जागरूकता के लिए आपके बीच में हम लोग आए हैं और सरकार की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगातार देश में मजदूरों के देखने वाला कोई नहीं था, एकमात्र राजस्थान सरकार है जिन्होंने ये हेल्पलाइन चालू की है। पिछले 10 सालों से हेल्पलाइन लगातार मजदूरों के हितों में काम कर रही है और करोड़ों रुपए का भुगतान जो है मजदूरों का 500 रुपए से लगाकर 100 रुपए से लगाकर लाखों रुपए का भुगतान जो है मजदूरों का वापस कराया है। राजस्थान की ये हेल्पलाइन मजदूरों के लिए बहुत ही कारगर हेल्पलाइन है और गांव-गांव डाई-डाई में जाकर हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं ताकि मजदूर भाई किसी भी योजना से वंचित नहीं रहे या अपनी मजदूरी की समस्या को लेकर अगर परेशान है तो वो भी मुसीबत उसकी आ सके। इसके लिए लगातार प्रचार किया जा रहा है, लगातार जानकारियां दी जा रही है। आप भी एक प्रचारक बने और अपने क्षेत्र में जहाँ भी मजदूर रहते हैं उनके बीच में जाकर आप लेबर लाइन का प्रचार जरूर करें। हमको बताएं कि आप जाके लेबर लाइन के माध्यम से वहाँ पर भी समाधान की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। कोई समस्या भी जाए, कोई बाहर काम आते जाए, दिल्ली जाए, बम्बई जाए, कलकत्ता जाए, हैदराबाद जाए, है ना, काम में तो काम जाए, अब गांव में जाए और बापड़े बंडे मारपीट भी जाए, मंडला हिस्सों भी जाए, कई बार ऐसा देखो ना आप एक्सीडेंट भी गया, बड़ी मौत भी गई, आप गांव वाला हो जी करा खाली तो यार वो बापड़ो मरी क्यों यार, मरी क्यों क्यों जड़े मारवा वाला नहीं एकदम मारना का बा केस करा बनी और बंडे ऊपर मुकदमो दर्ज करा या लेबर लाइन तो सारो लेवा है ना, अपने लोग थोड़ा मिलने करा कोशिश तो काम भी सके, एक दूसरा की अपने मन में कड़वाट नहीं राख रही, एक दूसरे की मदद करनी, ज़्यादा मेहनत तो बढ़े नहीं। हाँ ये टोल फ्री नंबर है, अपने फोन लगाओ नहीं, हाँ तक, हाँ यहाँ तक पूरा लगावना फ्री नंबर है ना, हाँ या नहीं लगेगा सबने दंगा बिल्कुल नंबर दंगा ध्यान देना है, बोर्ड लगा बोर्ड लगा के रहना, आपको ध्यान रखना, अच्छा हाँ सेव करना, ठीक है बेटा बेटा नंबर बीड़ी चलती रहती है और प्रचार चलता रहता है, इधर उधर गाड़ी का केस चलता है और इधर हमारी दोनों बराबर है। देखो ये भाई है अपने सब है ना, बुरा राम जी है अपने अटे देवे है ना, अपने क्षेत्र में रहे काम कर रहा है, अपने पत्थरगढ़े यूनियन जो है कोई मजदूर बापड़ा काम करे है ना, ये अली में मूर्ति घसवारों काम करे, मूर्तियाँ बनावारों काम में खाए जाए, हाँ और खाने वो काम करे, लेकिन तब भी बाटा जीवन दी जाए, बाटा बीमारी जा मरना ही पड़े है ना, अब अपने लोगों की जान किधर बचाना, अपने लोगों को भलो किधर करा, मंडे बारे में अपने विचार करने की जरूरत है ना। तो सब तैयार तैयार तैयार, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजा आइयो। तो बुराराम जी क्या जानकारी दे रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? हम जब लोगों को ये लेबर लाइन से आए और ये लोग सब जानकारी नहीं है तो इसकी मजदूरी कैसे निकलवाने, कोई ठेकेदार कैसे खा जाए तो उसको कैसे निकलवाना, ये सलाह हम दे रहे हैं और कोई भी हिसाब की जानकारी भी हम दे रहे हैं।
सही बात है, काफ़ी बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ से लोग काम पे जाते हैं, उनके साथ कई हिंसाएं हो जाती है, मारपीट होती है, दुर्घटना होती है। ऐसा गांव में हुआ होगा ना? ऐसा तो नहीं हुआ होगा? हाँ हुआ ना, बहुत के साथ हुआ है ना। हाँ, मजदूरी की बात को लेकर हमेशा समस्या तो होती है। तो लेबर लाइन का प्रचार कैसे चल रहा है अभी? चल रहा है अभी, तो हम आए गाँव में, चल रहा है अभी धीरे। कौन सा गांव है साहब ये? आमलिया गांव में प्रचार चल रहा है। हमारा आमलिया गांव के ग्रामवासी हमारे साथ में मौजूद है। कैसा लग रहा है आज गाड़ी है ये आपके गांव में? तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है भाऊ जी, क्या समाधान लग रहा है आपको? ये नंबर बढ़िया है। अच्छा हाँ बताओ। अच्छा हाँ भाऊ जी आप बताओ, हमारा नेताजी बताएगा जो भी बता रहा हूँ। कैसा लगा आज गाड़ी है ये आपके गाँव में? बहुत बढ़िया हुआ है। मजदूर भाइयों के भलाई के लिए है? भलाई के लिए। आप भी प्रचार करेंगे? हाँ हाँ ठीक है।